अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ग्लोबल BeFIU.com एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप BeFIU ग्लोबल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए और मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप BeFIU में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना डिपॉजिट, अपना प्रिंसिपल वापस लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक डिटेल मेथड शेयर करूंगा कि विदाउट डिडक्शन आप अपनी अमाउंट, अपना प्रिंसिपल वापस कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने अपने BeFIU ग्लोबल अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपने BeFIU ID लिखनी है, यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है। आप नॉट अबाउट के ऊपर क्लिक करें और कैप्चा को वेरीफाई करें। कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे तो आपकी BeFIU ID ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका डिपॉजिट सेक्शन ओपन हो जाएगा। मेरे पास $1,323 डिपॉजिट हैं, जिसमें से कुछ अमाउंट में सेल करना चाहता हूं। डिपॉजिट के ऊपर ही टैप करेंगे तो आपके सारे पोर्टफोलियो ओपन होके आ जाएंगे। इस पेज को थोड़ा सा राइट साइड पे स्लाइड करेंगे तो आपको सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी पोर्टफोलियो को आप सेल करना चाहते हैं उसके सामने सेल बटन के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप अपना डिपॉजिट, अपना प्रिंसिपल 6 महीने से पहले सेल करते हैं तो इसके ऊपर कुछ सेल कमीशन लगता है। अगर आप 2 महीने के अंदर अपना डिपॉजिट, अपनी अमाउंट वापस लेना चाहते हैं तो आपकी अमाउंट 35% डिडक्ट हो जाती है। अगर 2 से 4 महीने के दौरान डिपॉजिट वापस लेते हैं तो 20% चार्जेस पड़ेंगे, और अगर आप 4 से 6 महीने के दौरान अमाउंट वापस लेंगे तो 10% चार्जेस पड़ेंगे, और 6 महीने के बाद आप अपनी पूरी अमाउंट बगैर किसी फीस के वापस ले सकते हैं। अगर मैं ये वाला पोर्टफोलियो सेल करता हूँ जिसकी डिपॉजिट डेट 11/2/2021 है और डिपॉजिट अमाउंट $72 है, इस पे मुझे 35% चार्जेस पड़ेंगे, $25 डिडक्शन होगी और सेल करने के बाद मुझे $46 मिल जाएंगे। कोई और पोर्टफोलियो देख लेते हैं जिसपे हमें फ़ी कम पड़े। ओके, तो अगर हम इस पोर्टफोलियो को सेल करते हैं तो हमें 20% डिडक्शन होगी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, सिंपली आपने ओके करना है। ओके करेंगे तो आपका बैलेंस सेल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, पेज रिफ्रेश होगा और एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस सेल हो चुका है और अप्रूव्ड भी हो चुका है। इसी तरह आप बाकी पोर्टफोलियो को भी बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। अब इस अमाउंट को निकालने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इन 3 हॉरिजेंटल लाइंस के ऊपर टैप करें और यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। सेलेक्ट विड्रॉल मोड में सोल्ड बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी अमाउंट आपने सेल की होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। इसको आप कैश बॉक्स पे भी ले सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं और फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपना प्रिंसिपल, अपना डिपॉजिट बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने से पहले आपने उसका सेल कमीशन लाजमी चेक कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम रहता है, 6 महीने से आपको कम टाइम हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, 6 महीने पूरे होने दें ताकि आप डिडक्शन से बच सकें। तो होप सो ये तरीका आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।